मध्य प्रदेश पुलिस की फिर आन बान शान बने रामवीर सिंह दाऊ। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की मिस्ट्री सुलझाने वाले रामवीर सिंह दाऊ फिर आए सुर्खियों में। अंतर्राज्यीय कुख्यात चंदन तस्कर गिरोह को मय चंदन की लकड़ियों के सहित किया था गिरफ्तार। मिलिए रियल लाइफ के सिंघम से। मध्य प्रदेश के गौरव जाबाज रामवीर सिंह दाऊ एक बार फिर एमपी पुलिस की आन बान शान बने हैं। दाऊ के नाम से मशहूर गुना के तेज तर्रार और अपनी कर्तव्यनिष्ठ एसआई रामवीर सिंह राजावत अपनी तेज तर्रार और कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार छवि के लिए पहचाने जाते हैं। रामवीर सिंह दाऊ जहां भी होते हैं मुजरिमों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी मौजूदगी में कोई अपराधी अपराध करना तो दूर, ऐसी कोई घटना को अंजाम देने से पहले भी 100 बार सोचता है। उनकी कार्यशैली में ही एक्शन और सबसे तेज रूप से कार्यवाही करना शामिल है। देश में या राज्य में कोई बड़ी घटना हो या अपराध जगत को लेकर कोई मसले की तहकीकात चल रही हो, रामवीर सिंह दाऊ का नाम सामने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि रामवीर सिंह दाऊ के नाम अब तक बहुत सी उपलब्धियां शामिल है, जिसमें चेन्नई में अब तक की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज द ग्रेट ट्रेन रॉबरी यानी देश की सबसे बड़ी डकैती की उलझी हुई मिस्ट्री सुलझाना, जयपुर के प्रकरण संख्या 620/18 की कई धाराओं में 25,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त थांडी उर्फ सुल्तान उम्र 22 वर्ष को हाल निवासी बजरंग नगर रतलाम की गिरफ्तारी में आसूचना संकलन एवं आरोपी को निरुद्ध करना और उनके पदस्थ के दौरान चंदन की चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो कि अब जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं। दरअसल अशोक नगर में 15 जुलाई 2018 को जब वह पुलिस थाना शाडूरा के इंचार्ज थे, उस दौरान लगाई गई वाहन चेकिंग में अशोक नगर की ओर से आ रही सफेद रंग की सफारी को देखा गया, जिसे उनके द्वारा रोका गया, जिसमें चंदन तस्कर आरोपी पुलिस की वर्दी में बैठे थे। उनके द्वारा कार का पिछला भाग खोलकर देखा गया तो उसमें चंदन की लकड़ियां कटी हुई रखी थी। इस दौरान कार का चालक और आरोपियों ने हथियार निकाल लिए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों की पुलिस आईडी और हथियार अवैध पाए गए। इसके बाद कार सहित चंदन की लकड़ियों को बरामद करते हुए मामला दर्ज किया गया था, जिसका आरोप पत्र विवेचना के बाद माननीय जिला न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से रामवीर सिंह राजावत के कथन हुए थे। चंदन तस्करी के उक्त मामले में दीपक कुमार पुत्र विजय सरकार चौहान, अखिलेश पुत्र छोटेलाल जोशी, वने सिंह राजपूत, विजय सिंह राजपूत जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के निवासी हैं, उक्त सभी आरोपियों के कब्जे से 21 नग चंदन की ताजा कटी हुई लकड़ियां बरामद की गई थी। प्रचलित मामले के दौरान पुलिस थाना शडोरा के दर्ज आरोप पत्र को न्यायालय में भी प्रमाणित माना गया और सभी उक्त चंदन तस्करों को 7 वर्ष की सजा एवं अर्धदंड की सजा सुनाई गई। मध्य प्रदेश तमिलनाडु में अपना जलवा बिखेरने वाले रामवीर सिंह राजावत सही मायने में पुलिस महकमे के वो अधिकारी हैं जिनकी सूझबूझ और कार्यशैली से आज न सिर्फ अपराधियों में डर का माहौल है, बल्कि वे मध्य प्रदेश के गौरव हैं। राजधानी लाइव ऐसे जाबाज अधिकारी को सलाम करता है और उनके किए गए कार्यों की प्रशंसा भी करता है। पुलिस महकमे को ऐसे अधिकारियों की बहुत जरूरत है जो देश हित को सर्वोपरि रखे। Thank you.